हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी अभ्यास का प्रश्न क्रमांक एक। इसको हम लोग आज देखेंगे और ये प्रश्न देने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कार्य के प्रकार और कार्य कैसे होता है और कार्य कब धनात्मक होता है और कार्य कब ऋणात्मक होता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के प्रश्न ऐसे ही मामूली प्रश्न तो नहीं होते, ये प्रश्न दैनिक जीवन से पूरी तरीके से संबंधित होते हैं और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार का डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से आपके लिए आगे की परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल ज़रूर आता है। यही कारण है कि एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित जो प्रश्न होते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम इनको समझते हैं। बात करें पहले प्रश्न की, तो यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है कि किसी वस्तु पर किसी कण द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर उस पर कुछ कार्य होता है तो वो कार्य का चिन्ह हमें पता होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि कार्य धनात्मक है कि कार्य ऋणात्मक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियाँ धनात्मक हैं या ऋणात्मक। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं दैनिक जीवन के और वो नीचे लिखे हुए हैं और नोट्स बनाए गए हैं, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। और उन दैनिक जीवन संबंधी उदाहरण में हमें ये बताना है कि जो किया गया कार्य है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो आइए पहला कथन इनका लेते हैं। पहला कथन ये कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई कुआ है, अब ये मान के चलिए एक कुआ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से बना होता है और आपने कुआ तो देखा ही होगा, और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे पानी को खींचने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें यहाँ नीचे बाल्टी और यहाँ पे रस्सी होती है। यहाँ पे कोई व्यक्ति उस पानी को खींचता है और नीचे जो बाल्टी होती है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो बाल्टी है इसको कोई खींच रहा है। अब होता क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। इसका मतलब है कि ये रस्सी से कोई व्यक्ति इस बाल्टी को ऊपर उठाता है, तो क्या कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो बहुत ही सिंपल है, कार्य यहाँ पे ये जो बल है इस व्यक्ति द्वारा लगाया जा रहा है इस पर, तो क्या होगा कि ये जो है इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में भी बल लग रहा है क्योंकि इसी को तो इस तरीके से खींचा जा रहा है। तो बल जब ऐसे लगेगा और बाल्टी का विस्थापन भी आगे की ओर ही हो रहा है, बल की दिशा में ही बाल्टी आगे की ओर जा रही है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसका यदि विस्थापन जो होता है या एफ इंटू एक्स जो होता है वो बल की दिशा में हो विस्थापन, तो किया गया कार्य होगा हमेशा धनात्मक। किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। और यदि विस्थापन लगाए गए बल के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। अभी ये बताइए, आप इस बाल्टी को खींचा जा रहा है ऊपर की ओर, यानी कि बल लग रहा है ऊपर की ओर, और बाल्टी भी कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में कितना कार्य करना पड़ेगा या किया गया कार्य क्या होगा? तो वो कार्य होगा धनात्मक, क्योंकि ऊपर की ओर बल लग रहा है और बाल्टी भी कैसे जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, किया गया कार्य धनात्मक होगा क्योंकि बाल्टी व्यक्ति द्वारा
लगाए गए बल की दिशा में गति करती है। देखिए वही बात आ गई ना कि जो बाल्टी है वो व्यक्ति द्वारा जो लगाया गया बल है, जो व्यक्ति जितना बल लगाता है उसी की दिशा में ऊपर की ओर जा रही है। तो किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा अगर विस्थापन बल की ही दिशा में हो रहा है। अब उनका दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है कि उपरोक्त स्थिति में, यानी कि इसी स्थिति में, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए, गुरुत्वीय बल कहाँ लगता है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। गुरुत्वीय बल लगता है नीचे की ओर, क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को नीचे खींचती है। तो बाल्टी पर गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर जी, और बाल्टी का विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपरोक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य तो ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक? क्योंकि लगने वाला बल नीचे की ओर है और विस्थापन ऊपर की ओर है। तो लगने वाला बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ, बल्कि विस्थापन हो गया विपरीत, इसलिए कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर, नीचे की दिशा में काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर काम करता है और बाल्टी कहाँ काम करती है? ऊपर की ओर। इसलिए ये आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं। तीसरा कथन इनका ये है कि किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु का घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि आनत तल क्या कहलाता है। तो देखिए, नत का मतलब क्या होता है? नत यानी झुका हुआ, नत यानी कि झुका हुआ। तो आनत का मतलब होता है झुका हुआ नहीं, यानी कि समतल। तो इस तरीके से हम आनत को समझ सकते हैं। अब आनत तल पर कोई फिसलती हुई वस्तु है, तो यहाँ पे मान के चलिए कोई वस्तु है। अब ये जो वस्तु है, इस पे लिखा है कि फिसलती हुई किसी वस्तु का घर्षण द्वारा किया गया कार्य। अब घर्षण लगता है गति के विपरीत, जैसे वस्तु इस डायरेक्शन में फिसल रही है, तो घर्षण बल कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो घर्षण बल इस डायरेक्शन में है और इसी द्वारा हमें किया गया कार्य निकालना है। तो अगर बल इस दिशा में लग रहा है लेकिन वस्तु तो इस दिशा में फिसल रही है, यानी विस्थापन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या होगा कि किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि लगने वाला बल और वस्तु का विस्थापन विपरीत है। तो आप इस कथन को बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो कि किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि घर्षण बल गति के विपरीत लगता है और घर्षण बल इस डायरेक्शन में होगा तो विस्थापन उसका विपरीत होता है, क्योंकि वस्तु इस डायरेक्शन में फिसलेगी तभी तो घर्षण इस डायरेक्शन में लगेगा ना। तो लगने वाला बल और घर्षण अलग अलग दो चीजें हैं। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु की गति घर्षण बल के विपरीत होगी। क्योंकि वस्तु की गति कैसी होगी? घर्षण बल के विपरीत होगी। इस तरीके से आप इसका लिखोगे आंसर। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसका मीनिंग ये है कि ये मान के चलिए कोई खुरदरा पृष्ठ है और क्षैतिज तल है, तो इसी तरीके से बनेगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इस खुरदरे और क्षैतिज तल पर, यानी कि इस पर, खुरदरा का मतलब होता है इसमें रेसेज हैं, छोटे छोटे गड्ढे कई बने हुए हैं, खुरदरा पृष्ठ, एकदम चिकना नहीं है कहने का मतलब। और एक समान वेग से गतिमान है कोई वस्तु, ये वस्तु देखिए एक समान वेग से गतिमान है आगे की ओर, चलिए मान लेते हैं आगे की ओर ये गतिमान है। तो वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वस्तु भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो लगाया गया बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, कार्य धनात्मक होगा क्योंकि लगाए गए बल की दिशा गति की दिशा में होती है। ये लगाए गए बल की दिशा गति की दिशा में होती है। तो विस्थापन हो रहा है एक समान वेग से, तो लगाया गया जो बल है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए कार्य कैसा हो गया? धनात्मक। इसके बाद इनका एक क्वेश्चन और कथन दिया गया है कि किसी दोलायमान लोलक को ब्रह्मावस्था से लाने के लिए
वस्तु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। तो मान के चलिए ये सिंपल पेंडुलम यहाँ पे हमने बना लिया, ये देखिए। अब ये सिंपल पेंडुलम कैसे मोशन करता है, कैसे गति करता है, आप जानते हैं। ये अगर इसको आप यहाँ से धक्का दे दें तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा। जैसे आपने पेंडुलम वॉच देखी हो, घड़ी देखी हो, फिर यहाँ पे, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ, इस तरीके से दोलन करता करता धीरे धीरे रुक जाएगा। इसका मतलब है, अगर मान के चलिए यहाँ से पेंडुलम यहाँ आ रहा है और आप इसे विरामावस्था में लाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसे रोकोगे। तो रोकने के लिए वस्तु के प्रतिरोधी बल लगाओगे, यानी यहाँ से पेंडुलम तो आ रहा है यहाँ से यहाँ, लेकिन आप यहाँ इसे रोक रहे हो इस बल से, एफ बल से। तो ये गति हो रही है, यानी विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में, और आप रोक रहे हो उसके अपोजिट में बल लगाकर। तो कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, क्योंकि विस्थापन के विपरीत आपने बल लगाया है। इसलिए जो त्वरण उत्पन्न होगा वो भी ऋणात्मक होगा, मंदन होगा, और कार्य भी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। तो इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक, क्योंकि लगाया गया बल लोलक की गति के विपरीत दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आइए इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसे नोट्स में अच्छे से लिख पाएं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी अभ्यास का ये प्रश्न क्रमांक एक समाप्त होता है। इसके अलावा जो भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी हम लोग करेंगे, और साथ में हम लोग इसके टॉपिक जो थे एनसीईआरटी के, वो आपके चल ही रहे हैं, तो उनको भी करेंगे। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।